डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए डाटा इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं। और जैसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, सबसे पहले है कि हर सवाल को अगर मुझे आधे मिनट में करना है तो कलम कितना उतारेंगे, क्योंकि देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल बहुत ज्यादा भारी नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें कलम कितना उतारेंगे इसको अगर ठीक से हम सीख लेते हैं तो हम आधा मिनट के पहले ही हम डाटा इंटरप्रिटेशन के सरल सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि सारे सवाल, सरल सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम दो मिनट में चार सवाल और एक मिनट के करीब एक सवाल को करते हुए तीन मिनट के अंदर में, ढाई से तीन मिनट के अंदर में हम पांच सवाल को उतार देते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो हम इसे करके देखेंगे कैसे ये हो सकता है, कलम कितना हमें उतारना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं अन एकेडमी जो है वो जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर इस भारतवर्ष के चुने हुए एडुकेटर्स ही पढ़ाते हैं, वहां पर ये एक लर्निंग ऐप है, अन एकेडमी लर्निंग ऐप। इसे आप डाउनलोड कर लें और यहां पर मैंने भी बहुत सारे बैंक के कोर्स दे रहा हूं, और वहां सबसे बड़ी और अच्छी खासियत क्या है कि कोर्स जो है एक लेसन के रूप में, एक कोर्स के रूप में मिलता है। जैसे आप समझ लीजिए कि यही जो है यहां पर, जैसे मैंने पांच सवाल को किया हुआ है, वहां पर एक कोर्स में आप देखेंगे 25 सवाल को किया गया है, 25 से 30 सवाल जो इकट्ठे मिलता है। तो मतलब है कि पढ़ने में आपको काफी ज्यादा आसानी होता है, चीजों को समझने में आसानी होता है। तो प्लीज unacademy.com/user/ddclass.tata4649 पे मुझे फॉलो करें। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी आर, एक बार रुक जाते हैं, परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द सिक्स कंपनीज ओवर द ईयर। यहां पे देखिए छह कंपनी का नाम दिया गया है और ये 2017 की क्वेश्चन है भाई साहब। और देखो 2004, 5, 6, 7, 8, 9 ये 6 साल दिए गए हैं और ये सब कंपनीज की प्रॉफिट है। अब बोलता क्या है कि इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी आर, कंपनी आर देखिए इस कॉलम में है, इन द ईयर 2008 ये है, कंपनी आर ये है 18.9 लाख था। यहां क्या लिखा है देखो भैया, 9% है, तो 9% बराबर जो है वो कितना है 18.9 लाख। अब देखो कितना आसान है, या 18 9 है, हम कलम नहीं उतारेंगे। तो हम करते हैं क्या, 9% बराबर मनी मन करते हैं 18.9 लाख, तो 1% बराबर क्या होगा, भागा दे देते हैं, 9 दुनिया 18 2 हो गया, और 0.99 को भागा दिया 1 हो गया 2.1। तो 1% बराबर अगर 2.1 लाख है तो 100% बराबर क्या होता है, 100% 210 लाख। इट्स वेरी सिंपल। तो देखो यहां से ये करते हुए हम डायरेक्ट यहां पे आए, हमने और कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आप गणित करके आप उसका जवाब को आपको टिक करना है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, इनकम पूछा हुआ है, 9% अगर उसकी प्रॉफिट था, टर्नओवर तो 100 रुपए के ऊपर 9 रुपया हुआ था ना, 100 रुपए का खर्चा है 9 रुपए का फायदा है, तो टर्नओवर या इनकम जो हम बोलते हैं वो तो 109 हुआ था, 109 को 109 बटे 109 प्रतिशत मतलब 109 बटे 100 लिखेंगे तो 1.09। अब देखो 210 को हम 1 से गुणा किया 210 हुआ, और 0.09 है तो 0 से ये कट गया और 9 से करते 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना, पॉइंट यहां हमारा इस जीरो के चलते, और हमने क्या किया जोड़ दिया, 210 में 18.9 जोड़ा तो 228.9, और ये आंसर में देखते हैं, ये देखिए डी में ये आंसर है। तो देखिए हम कलम इतना ही उतारते हैं, कलम इतना ही उतारते हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है। चलिए अपने एक सवाल को देखते हैं, वही है, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंट राइज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी टी, कंपनी टी है कहां भैया, यहां पे कंपनी टी है, इन द ईयर 2009 फ्रॉम द ईयर 2004 2009 2004 में 10 है और 2009 में 14 है,
तो 10 से 14 उठा, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। कहां से बढ़ा? 10 से बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। कहां से बढ़ा? 10 से बढ़ा। 4 बटे 10 हुआ, और 100 से गुणा करेंगे तो 10 10 कट जाए, ये 10 तक ये सुनना कट गया, 4 से 10 हो गया 40%। तो देखिए हम इतना ही कलम उतारेंगे, ठीक है ना? आपको अगर एग्जाम देना है तो इतना ही कलम उतारेंगे और ये 40% के बराबर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल के पहले एक चीज को बताना जरूरी है, मेरा जो ऑनलाइन क्वांट क्लास है जिससे मेरे सारे हिंदुस्तान के बच्चे डायरेक्टली मेरे साथ पढ़ते हैं, उस क्लास का एक साल का चार्ज है 3,000 रुपए, जिसमें आप IBPS, RRB, IBPS, इंश्योरेंस, SBI होते हैं, इसके अंदर भी सैटेलाइट क्लास होते हैं, और पूरा कोर्स जो है वो 7,500 रुपए में, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, लेकिन 30/6 इस महीने के 30 तारीख तक 1,000 रुपए का छूट है। इंस्टॉलमेंट में भी है, डाउन पेमेंट 2,500 करते हैं, फिर प्रति महीने 1,000 करके नेक्स्ट 4 महीने में कंप्लीट करते हैं। क्या क्या है? वीडियो क्लास है, हाँ है, प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस, ये सबसे बड़ी बात है, 10 मैं करके देता हूं तो 20 आपको करना पड़ता है, और आप जब करते हैं आपकी जो मुश्किलात होती है उस पे मैं ध्यान देते हुए मैं उस पे जो भी सुधार है करता हूं, जो शायद हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता है। इंडिविजुअल डिस्कशंस करता हूं मैं बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे, स्पेशल सिंप्लीफिकेशन पे स्पेशल हम देते हैं, एफोर्ट करते हैं। डाउट क्लास हर दिन का सॉल्व किया जाता है, मॉक टेस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये IBPS, RRB से लेके IBPS, इंश्योरेंस, SBI, ये पूरे का सिखाया जाता है, और इसमें सैटेलाइट क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास भी इसमें शामिल है। जो हमें इस क्लास को लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल पे आते हैं। If the profit earned by company P in the year 2007 was 2.1 lakh, अब कौन भाई है, कौन सा कहा है? कंपनी पी 2007 में कितना था? 7 है, यहां 7% बराबर 2.1 lakh है। What was the expenditure in that year? देखो यहां पे मैंने दो तरह से किया है, एक है कि मैं बोलूं कि टोटल कितना हुआ है उसमें से एक्सपेंस को घटाऊं तो फिर बोलूं कि भैया प्रॉफिट इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, मतलब टोटल इनकम में से जब मैं प्रॉफिट को घटा देता हूं तो क्या बच जाता है? क्योंकि देखो इनकम एक्सपेंडिचर को मीट करता है, हम जो आय करते हैं उसी से खर्च करते हैं, फिर जो बच जाता है उसे ही प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब आपने 105 रुपया आय किया और उसमें 100 रुपया आपका खर्चे के खाते में, आपको खर्च जो भी खर्च हुआ 105 रुपया करने में वो खर्च है, और 5 रुपया जो है वही आपका प्रॉफिट है। तो इस सेंस को लेते हुए देखिए क्या बोल रहा है कि पी के बारे में बोल रहा है कि भैया 7% की प्रॉफिट हुई है, और 7% बराबर 2.1 लाख है, ठीक है ना? तो 7% बराबर क्या है? 2.1 लाख। अगर हम 2.1 को भागा देते हैं तो क्या होता है? 0.3 होता है, ठीक है ना? तो और देखो 0.3 होता है। अब देखो एक चीज है, या तो यहां से आप दो सीधा कर सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के इसको क्या, देखो ये तो काट दिया, जो किताबों में स्टाइल होता है ये बेकार का है, क्या है कि ये आपको कभी भी उस जगह पे पहुंचने ही नहीं देगा। अब यहां पे दो चीज है, 107 रुपए में या तो मैं 100 रुपया निकालू वो एक्सपेंडिचर है, या 107 में 7 रुपया प्रॉफिट को अगर मैं हटा देता हूं तो भी बोलता हूं कि भैया ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। तो मैं दोनों टाइप में क्या हूं, एक मैं वर्बली कर रहा हूं, वर्बली कर रहा हूं कैसे, देखो 7% बराबर 2.1 लाख, 1% बराबर क्या होगा 0.3, 7 से अगर भागा दोगे तो 0.3 लाख, अब 0.3 को अगर 100 से गुना करोगे तो क्या होगा 30 लाख। अब देखो 107 जब था उसने 7% प्रॉफिट किया हुआ, तो यही बोला है ना, 7% प्रॉफिट किया है, मतलब क्या है, 100 रुपए के पे उसने 7 रुपया कमाया,
तो टोटल उसने आय क्या किया था, 107 रुपया, उसमें 100 रुपया खर्चे में गया, 7 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो हमने 107 में 100 रुपया खर्चा हुआ था, तो 7% बराबर 2.1 लाख है, इसको जब भागा दिया तो 1% बराबर क्या हुआ 0.3, 100% बराबर होगा 30 लाख, सीधा यहां निकल जाता है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। और दूसरा क्या है, 1% बराबर 0.3, तो 107 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। आमदनी टोटल हुआ है, लाभ नहीं हुआ है, आमदनी का मतलब होता है टोटल ट्रांजैक्शन, वो मैंने 1.3 को 107 से गुणा किया तो 32.10 लाख। अब 32.10 लाख में देखो 2,10,000 तो प्रॉफिट है, पहले बोला गया है, तो 32.1 से हम अगर 2.1 करेंगे तो 30 लाख। देखो यहां पे इसको लिखा क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत थी, और डायरेक्ट जैसे किया था कैसे, देखो 2.1 लाख बराबर 7% है, तो 1% बराबर 2.1 को 7 से भागा दे दिया तो 0.3, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द 100%, 100 से गुना कर दिया तो 30 लाख यहां कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों में से किसी की जरूरत नहीं होती है, मर्जी आपकी चीजों को आप कैसे देखेंगे, लेकिन ऐसे तो ना देखें, जस्ट मेरे को यही कहना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आते इस सवाल पे, व्हाट वाज द एवरेज परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी एस ऑल ओवर द इयर्स टुगेदर। अब देखो यहां पे बहुत सारे चैनल में बहुत सारे लोग इसको कैसे ना कैसे दिखाते हैं, आप दो संख्याओं में भी जोड़ सकते हैं और एक एक संख्या करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी जोड़िए स्पष्टता होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जैसे 15 15 30 हुआ 30, और 14 कितना हुआ 30 10 40, और 4 44 44 और 10 54 54, और 3 क्या हुआ 57 57, और 8 कितना हुआ 57 और 8 आपका हुआ 65 65, और 7 कितना हुआ 72। ये एक तरीका है, दूसरा है सीधा है 8 7 15 3 18 18 4 22 22 और 10 32 का 2 हाथ में रहा 3 4 और 3 7, तो ये 72% है। 72% जो है कितने महीने का, 1 2 3 4 5 6 महीने का है, तो 72 को अगर हम 6 से भागा देंगे 12 6 72, तो वो उसका औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, दैट इज द दिस वन विल बी द आंसर। तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, यह 72 ही लिखा, यही आपने कॉपी पे लिखा और कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अब कुछ लिखने का कलम उतारने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी क्यू इन द ईयर 2005 एंड द एवरेज परसेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द रिमेनिंग कंपनीज टुगेदर इन दैट ईयर। अब देखो भाई 2005 में ये सारे कंपनी, ठीक है ना, और क्यू का 10% था, और दूसरे कंपनी का क्या था जिसका एवरेज पूछा हुआ है, तो चलिए हम जोड़ते हैं 9 5 14 14 और 8 हुआ 22 22 और 12, क्या हुआ 22 और 12 जो हुआ आपका हुआ 34 34 और 6 40 हुआ। अब 40 कितने में, 5 जन में है, 2 3 4 5, तो मतलब 8% निकला, तो 8% निकला दूसरे जन का, क्यू का कितना है 10% है, तो एवरेज डिफरेंस कितना आया 2%। तो आप देखेंगे कि हमने कलम कितना उतारा। हाँ, सोच में तो तेजी थोड़ा रखना होगा, आप पढ़ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक सबसे बात है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी चीखेंगे कि सर आप मुझे हिंदी में दें, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं अगर हिंदी में आप सीख रहे हैं भागिए वहां से उठ के भागिए। बोले क्यों सर, क्यों भागूंगा, अब तो सेक्शन कट ऑफ नहीं रहा। सबसे बड़ी गलती सोच है, सबसे बड़ी गलत सोच, उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी देने वाला हूं, ये बताने वाला हूं, केवल मैं इसकी नहीं बात करता हूं, आरआरबी की नहीं बात करता हूं, दूसरे मैं सारे जो बैंक एग्जाम हैं इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलेगा दोस्त, इसे याद करके थोड़ा सा सुविधा पहले तरफ होगा मैं जानता हूं, कुछ दिनों का 3 4 5 दिनों का, लेकिन आपका जो है ना सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां जो इंग्लिश होता है ना वो इंग्लिश जो जमाने भर का शब्द नहीं होते हैं, बल्कि डीआई का अपना ही एक तरीका है, वहां पे परसेंटेज एवरेज कंपनी यही सारे शब्द रहेंगे, और वो एक दो दिन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बाद में वो एकदम नहीं प्रॉब्लम करता है।
तो चलिए, आप सबने समय दिया इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। केवल कुछ विनती है कि अगर कुछ लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक इसलिए बोलता हूँ कि 450 के ऊपर वीडियो देने के बाद, तो भी एक विनती रखता हूँ यार, सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन दबा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके काम जरूर आएगा। तो आज के लिए विदा दीजिए, ओके देन, थैंक यू।